होली के दिन जब पूरा देश रंगों में सराबोर था तो उस दिन संस्कारधानी जबलपुर में एक युवती के साथ खून की होली खेली जा रही थी। जबलपुर शहर के बीचों बीच मामूली बात पर इलाकों के ही कुछ युवकों ने एक युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की। युवती के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल भी हो रहा है। थाना प्रभारी लॉर्डगंज प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल लॉर्डगंज में होली के दिन पड़ोसियों द्वारा एक युवती को बेरहमी से पीटा गया। इस हमले में युवती को आंख, नाक और सर में गंभीर चोटें आईं। मारपीट करने के बाद हमलावर जहां फरार हो गए तो वहीं युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। होली के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन युवकों ने युवती को लाठी से मारा? लॉर्डगंज थाना अंतर्गत रवि कुरील नामक शिकायतकर्ता ने थाने में बताया कि वह संजय नगर यादव कॉलोनी का रहने वाला है और MR4 रोड पर एक चाय की दुकान चलाता है। 29 मार्च को 2:15 दोपहर पड़ोस में रहने वाला विनय चक्रवर्ती अपने दोस्त सुधीर विश्वकर्मा, विशाल प्रजापति, रवि शर्मा को बुलाकर होली खेल रहा था और लगातार गाली गलौज कर रहा था। जब गाली गलौज करने से मना किया गया तो चारों एक साथ गंदी गंदी गालियां देने लगे और मारपीट पर आमादा हो गए। घायल लड़की प्रांजल ने गाली देने से मना किया तो सुधीर विश्वकर्मा डंडा चलाने लगा, जिससे कि प्रांजल को दाएं तरफ माथे व सिर में चोट आ गई और लगातार खून बहने लगा। वहीं जब कुछ लोगों ने बीच बचाव किया तो वह उन्हें भी जान से मारने की धमकी देने लगा। बेरहमी से युवती के साथ मारपीट करने वाले सभी चारों आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि सभी चारों आरोपी नामजद हैं, उसके बावजूद भी पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई है। बहरहाल जिस तरह से युवती के साथ आरोपियों ने मारपीट की है वह कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। इधर युवती के साथ हुई मारपीट के बाद अब स्थानीय लोगों में भी पुलिस के खिलाफ आक्रोश उमड़ रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है, यादव कॉलोनी का बताया, क्या मामला है? ये होली के दिन एक मारपीट की घटना हुई है। फरियादिया एक लड़की है जिसको चोटें आई थी और मारपीट के प्रकरण की धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। फरियादिया एक SC/ST वर्ग से संबंधित है, जो उसमें प्रकरण में एट्रोसिटीज की धारा का भी इजाफा किया गया है। आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करके कार्रवाई की जा रही है। आरोपी बन गया, अभी तो चार आरोपी का बताया गया था और उसके और बयान लिए जा रहे हैं और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।